हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज है जन्माष्टमी, तो बस जन्माष्टमी की ही प्रिपरेशन हो रही है। तो अभी आप ये जो लर देख रहे हो, ये पत्तियों की, ये मैंने ऑफलाइन मैंने लिया है। अगर आप ऑनलाइन लेते हो तो ये आपको काफ़ी कॉस्टली पड़ेगी, बट अगर आप ऑफलाइन लेते हो तो ये आपको 150 या 100 में मिल जाएगी। तो इसमें मैंने एक फ्लावर की और एक लीव्स की ली थी, और काफ़ी ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रही थी ये जो मैंने पत्तियों की लड़ ली है। सो वो मैंने वहाँ पे टीवी के ऊपर मैंने लगा दिया है एक लर, और एक मंदिर में लगाऊंगी। तो यहाँ पर आपने देखा, मैंने कृष्ण जी को और पीतल की जितनी भी चीज़ें थी उसको मैंने मॉर्निंग में ही पानी में भिगो दिया था। उसमें पीतांबरी और एक नींबू डाल दिया था, जिससे वो बहुत अच्छे से क्लीन हो जाता है और बिल्कुल बिल्कुल चमक जाता है। तो पीतांबरी इसी के लिए यूज़ ही होता है। और उसके साथ ही साथ यहाँ पर जो मंदिर है वो मैंने पूरी क्लीन कर दी है, सारे भगवान जी की जितनी भी फ़ोटोज़ हैं उनको भी क्लीन कर दिया है मैंने। तो उसके बाद मैं ये जितनी भी फ्लावर्स हैं सब उनको अच्छे से डेकोरेट करूँगी। और ये वाला जो मैंने फ्लावर मंदिर पे लगाया है, तो ये कृष्ण जी के लिए मैं लेकर आई थी, बट अभी मैंने ऊपर लगा दिया है। और ये जो आप फूलों की एक लड़ देख रहे हो, इसको क्या बोलते हैं, मैरीगोल्ड फ्लावर जो होते हैं, गेंदे के फूल, तो इनकी भी मैंने लड़ ली थी। ये भी बहुत, ये मुझे 30 रुपीज़ में मिल गई थी। ये भी ऑनलाइन मैंने देखा था तो ये काफ़ी कॉस्टली थी, पर ऑफलाइन मुझे अच्छे से मिल गई थी। तो ये सारी शॉपिंग मैंने एक दिन पहले की थी जन्माष्टमी के। उनकी जितने भी कपड़े और ज्वेलरी कृष्ण भगवान जी की होते हैं, सारे मैंने ले लिए थे। और यहाँ पर मैं लाइट्स लगा रही हूँ पत्तियों में, और जलने के बाद ये बहुत ही खूबसूरत लगती हैं। पत्तियाँ लगी नहीं रही थी कि आर्टिफिशियल लीव्स हैं। एक ऑनलाइन भी मिल रही थी, मैंने देखा था अमेज़ॉन पे। अगर आप 5-6 लरों को एक साथ मिलाते हो तब इतनी ज़्यादा आपको घनी मिलेंगी, और अगर आप सिंगल लगाओगे तो वो काफ़ी मतलब हल्की लगेंगी। तो अच्छा यही है कि आप ऑफलाइन एक बार चेक कर लेना। यहाँ पर जन्माष्टमी सजाने के लिए मैंने एक टेबल का यूज़ किया है, और वहाँ पर मैंने एक रुपट्टा रख दिया है। रुपट्टे के किनारे मैंने यहाँ पर जो मैंने फूल आपको बताया था वो मैं लगा दूँगी, तो बहुत प्यारा लगेगा। और ये काफ़ी इजी तरीका है, अगर आपके पास कोई मेज या कुछ ना हो छोटा जो होता है कृष्ण जी को अलग से सजाने के लिए, तो आपके घर में कोई भी टेबल है तो आप उस पर कपड़ा या फ्लावर की लड़ें लगा के आप अच्छे से डेकोरेट कर सकते हो। उसके साथ यहाँ पर ये कागज़ के फ़ैन आते हैं, इनका 5 का सेट है। ये भी अमेज़ॉन पे था, बट मैंने ये भी ऑफलाइन ही परचेज़ किया था। तो इनको मैं लगा दूंगी कृष्ण जी के बैकग्राउंड के, उस पर्पज़ से मैं इसे यूज़ कर रही हूँ यहाँ पे। और ये जो आप ये जो आप सिल्वर कलर के कर्टेंस देख रहे हो, ये बर्थडे प्रॉप्स का होता है। आप इसे भी डेकोरेशन हो तो आप लगा सकते हो, अच्छा तो लग ही रहा था। मेरा बेबी उसमें क्या कर रहा था, बार बार उसको हटा दे रहा था, तो इस वजह से मैंने हटा ही दिया फिर, लेकिन बहुत प्यारा लग रहा था। और ये मैं कर रही हूँ डिनर की प्रिपरेशन, और यहाँ पे मैं बनाऊँगी मशरूम की सब्ज़ी। तो करने से पहले मैं मशरूम को बॉईल कर लूँगी गर्म पानी में, अच्छे से धो लूँगी इसको, उसके बाद इनको कट करके मैं फ्राई कर दूँगी। तो यहाँ पे मशरूम जो हैं वो बॉईल हो गए थे, और इनको मैं अब कट कर लूँगी, और इनको मैं अच्छे से गोल्डन हो जाएंगे। गोल्डन क्या, अगर आप हल्का फ्राई भी करोगे तो भी अच्छा लगेगा ये सब्ज़ी। उसके साथ मैं पी रही हूँ कोल्ड ड्रिंक। और सो गाइज, यहाँ पर मेरी जो मशरूम की सब्ज़ी है वो बन रही है, मैंने उसको फ्राई कर लिया है। और मॉर्निंग में क्या होता है कि बहुत सारे काम हो जाते हैं जन्माष्टमी वाले दिन, पूरे घर की क्लीनिंग हो गई, मंदिर की क्लीनिंग हो गई, कृष्ण भगवान जी की सारी चीज़ें हो गई, उनको तैयार करना, तो बहुत सारे काम हो जाते हैं। और ये होता है कि उस दिन क्या क्या बना लो अच्छे से अच्छा, बट जितना मेरे से हो पा रहा था मैंने उतना बनाया, क्योंकि एक बेबी के साथ जितना अगर इतना हो जाए तो बहुत वो है। बस मैंने सोचा किसी तरह खाना सही से बन जाए, और पूरी बनाना तो उस दिन मस्ट ही होता है। तो मैंने उसके साथ साथ यहाँ पे तवा चढ़ा दिया था, क्योंकि मुझे बेबी का भी खाना साथ ही में बनाना था, तो उसको जल्दी से खिला के मुझे सुलाना भी था टाइमली। तो यहाँ पे उसकी रोटी बन रही है, रोटी को मैं दूध में मैश करके उसको खिला दूँगी आज।
और उसके बाद वो सो गए थे। और जब खाना वाना बन गया था, मुझे 10:30 तक पूरा सब कुछ फिनिश करना था। उसके बाद मुझे कृष्ण भगवान जी की आरती भी करनी थी, क्योंकि मॉर्निंग में कृष्ण जी की पूजा होती है, उसके बाद रात में फिर 12 बजे भी पूजा होती है। यहाँ पर मैंने तड़का लगाया है जीरा का, बड़ी इलायची का और छोटी इलायची का, और आप उसको मसाले में भी कर सकते हो बट तड़के में भी आप यूज़ कर सकते हो ये। और ये जो मैंने मिक्सर में किया है, प्याज, लहसुन, अदरक और जो भी बेसिक चीज़ें होती हैं वो मैंने उसको अच्छे से पीस लिया था मिक्सर में। उसके बाद मैं सब्जी के साथ यहाँ पे बनाऊँगी पूड़ी, और पूड़ी यहाँ पे मेरी गरम गरम छन रही है, लेकिन उस समय हम लोगों ने नहीं खाया था, पूजा होने के बाद ही हम लोगों ने खाना खाया था। लेकिन बेबी को तो खिलाना मस्ट होता है, तो मैंने उसको पहले ही खिला दिया था और वो सो भी गया था। मैंने सोचा उसको सुला दूँ, अगर जगेगा तो फिर उसकी नींद भी ख़राब हो जाएगी। और यहाँ पे मैंने उसमें टमाटर डाल दिया है, हल्दी, गरम मसाला और धनिया पाउडर, जो भी बेसिक मसाले होते हैं वो सारे मैंने डाले थे। बट बहुत ही ज़्यादा टेस्टी सब्जी बनी थी उस दिन। और उसके बाद यहाँ पे चाय बन रही थी, और चाय बनी थी पूरी, चाय तो सब लोगों ने शाम में पी ली थी लेकिन बाद में फिर सबका मन हुआ था। उसके बाद पूड़ी बन गई थी, सब्जी हो गई और चटनी बनी थी उस, और बना था बूंदी का रायता। तो चटनी में मैंने यहाँ पे टमाटर, लहसुन, मिर्च, अदरक थोड़ा सा, ये सारी चीज़ें मैंने यूज़ की थी चटनी में। अमचूर की भी चटनी बहुत अच्छी लगती है बट टमाटर की उस दिन मैंने बनाई थी। और मशरूम की सब्ज़ी मेरी बन गई थी। मसाला जिस जैसे ही हो जाता है, समझ लीजिए सब्ज़ी आधी तो आपकी बन ही गई है। तो सब्ज़ी बनने के बाद मैंने फटाफट से किचन की पूरी क्लीनिंग की थी। उसके बाद मुझे पूजा की भी तैयारी करनी थी, क्योंकि 12 बजे से पहले मुझे तैयारी उनका सब कुछ करना था, क्योंकि 12 बजे मुझे उनका पूजा आरती करनी थी। तो यहाँ पर मैं सीधे मंदिर में आ गई थी और कृष्ण जी मेरे बहुत ही ज़्यादा सुंदर लग रहे थे, क्योंकि सारा लाइट से डेकोरेशन मैंने किया था। और मैंने उनका यहाँ पे भोग लगाया था, दही में जो पांचों चीज़ें मिक्स होती हैं, मेवा वगैरह और शहद, गंगा जल, जो भी पंचामृत में होती हैं वो मैंने बनाया था कृष्ण भगवान जी के लिए। आई होप कि आप लोगों को मेरा ये जो जन्माष्टमी का ब्लॉग है वो पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करिएगा। मैं मिलूँगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।